ठीक गया। क्या सब्जेक्ट है आपके? क्लोजिंग टाइम 3:15 पर है, अभी भी कोई कमी नहीं। बस यही टेंशन है ना, अभी बोर्ड से निकले नहीं है कि कौन से पेपर थे आज आपके? आज अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि चेक वाइज कितना टाइम देते हैं अकाउंट्स में? 60। तो देखिए लेट हो चुकी। ये बच्चा देखो अभी लेट हो चुका, उसको एंट्री दे या ना दे कुछ बोला। क्या सब्जेक्ट है आपको? बीएससी एंड इकोनॉमिक्स। तो कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आई जैसे आज? क्या करने चाहोगे करियर में? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट बच्ची। और आपका? मैं कुछ भी देख लूंगा जो हो जाए। नीलू विजुअल ब्लॉग। और जैसा कि देख रहे हो आप, मैं खड़ी हूँ आज नोएडा सेंटर के बाहर जहाँ पे सीयूटी के एग्जाम हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस ब्लॉग में मिल जाएं। और अभी मैं सेंटर के बाहर खड़ी हूँ, 3 बजे का टाइम हो रहा है, 3:30 बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका एग्जाम हो गया है या होने वाला है? पहला एग्जाम। पहला है, कौन सा पेपर आपका? आज मेरा अकाउंट्स, बीएसटी और ईटी। ओके, तो आपको आइडिया है कितना कितना टाइम मिलने वाला है? काफी स्टूडेंट्स है जो ब्लॉग में पूछते हैं। अकाउंट्स 1 आवर का होगा, इको और बीएसटी आई गेस 45 मिनट्स। नाम क्या है? विराज। विराज, तो आपका कौन सा पेपर है? मेरा है इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स। पूरी तैयारी है? ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे। बच्चों की एंट्री हो रही है ऑलमोस्ट, कैसा लग रहा है? बहुत पूरी तैयारी भी लग रहा है। कौन से एग्जाम के लिए डर लग रहा है? थोड़े अकाउंटेंसी के लिए, वैसे तो सब ठीक है। बच्चे, हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? दीपांशी। आपका कौन सा एग्जाम है? मैम बीकॉम। बीकॉम, ओके। तो किस चीज़ के लिए आपको अभी लग रहा है कि मुश्किल हो सकती है? अकाउंट्स। ऑल द बेस्ट। तो बच्चे देखो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हेलो बच्चों, आपका एग्जाम है? कौन सा स्ट्रीम आपकी? आपका स्ट्रीम क्या है? कॉमर्स। डोमेन्स आ रहे हैं आज। तो आज क्या लग रहा है आपको? आज कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चे, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, मस्त लग रहा है, 3rd पेपर है। ऑल द बेस्ट। अरे बच्चे अभी जा रहे हैं। आपका नाम? कृतिका। कृतिका, तो कृतिका आज तैयारी पूरी है? नहीं। ऑल द बेस्ट। बच्चे सारे तैयार हैं। हेलो बच्चे, आपका नाम? पुलकित। तो आपके कितने एग्जाम है आज? 3। हाँ, 3 है। इको बिजनेस अकाउंट। तो कितना कितना टाइम लगने वाला है तीनों में? एक एक घंटे का टाइम मिलेगा। एक एक घंटे का ना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चे। नाम? अंजू। अंजू, योर डॉटर एंड सन? सन। सन, तो आज कौन सा एग्जाम है उसका? जैसे आज उसका बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। तो आपको कैसा लग रहा है कि अब जैसे बच्चों का कंपलसरी हो गया सीयूटी के लिए? एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेस भी हो गया आफ्टर बोर्ड्स, जस्ट लाइक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 3:30 से स्टार्ट होना है बच्चों, 3:30 से बच्चों का एग्जाम स्टार्ट है और अभी 3 बज रहे हैं, बिल्कुल एंट्री हो रही है बच्चों की। ये रख लो देखो, 3 बजे बच्चों को रिपोर्टिंग टाइम है और ये अभी एंट्री बच्चों की चल रही है। एंट्री कर रहे हैं, फिर 6:30 तक राउंड का एग्जाम खत्म होगा। रश आज नहीं है फिर भी, पेरेंट्स तो खड़े हैं बहुत देर से। चलो देखते हैं आगे। तरह का रश था ना जैसे, इतनी भीड़ नहीं है आज, फिर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन से एकदम। वैभव मैम, आपका हो गया बच्चे? हम बड़ा में लगा बंद स्टाफ है। ओके, स्टाफ है। तो ये एंट्री कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? आपका कौन सा एग्जाम है अभी? मेरा 3 डोमेन्स का है, अकाउंट्स, बीएसटी और ईटी। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे। 3:05 हो चुके हैं। अंजलि, तो अंजलि आज कौन सा एग्जाम है आपका? अकाउंट्स, बिजनेस और इको। तो अभी फर्स्ट फ्लोर आपका सेमेस्टर? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट, ओके, तो पूरी तैयारी है? हाँ। ऑल द बेस्ट। तो बच्चे आपका नाम? प्रियांशु। और आपका? आदित्य साकी प्रिया। ओके, कैसे तैयारी है पूरी एग्जाम की? मैम ठीक है। कितने कब तक खत्म होगा? 6:30। ऑल द बेस्ट।
अभय पूरी तैयारी है आज पे एग्जाम की? हाँ, पेपर की तैयारी तो की है। तो कौन सा है आपका एग्जाम बताना? अभी मेरा वो है डोमेन्स का है मेरा, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स। कितना टाइम मिलता है? अब जितना टाइम दिया जाएगा पूरा कंज्यूम करूंगा। ऑल द बेस्ट। तो भैया देखो एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं। साढ़े तीन का टाइम मिलेगा, 6:30 बजे का पेपर खत्म होगा। मुझे भी देना पानी। और आज इतनी भीड़ नहीं है, बच्चों की सारी एंट्री हो चुकी है टाइम पे। सीएटी के जो भी कैंडिडेट गेट के आसपास करे तो जल्दी करे। फर्स्ट शिफ्ट का गेट क्लोजिंग टाइम 3:15 पर है। अभी भी कोई कैंडिडेट गेट के आसपास करे तो जल्दी करे। आज सेंटर के बाहर इतनी भीड़ नहीं है जैसा कि 21 को थी, आज काफी व्यवस्थित है। और अभी बच्चे जस्ट एंट्री कर चुके हैं, 3:30 इनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तो 3 बजे बच्चे एंट्री कर चुके हैं। गेट ये वाला जल्दी तो देखिए लेट हो चुके। ये बच्चा देखो अभी लेट हो चुका है। तो हमेशा अपने घर से पहले निकलना है बच्चों। जब भी आपका एग्जाम टाइम है, आपके घर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको टाइम का मार्जिन लेते हुए चलना है। आप हमेशा 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। जो भी है, रास्ते में ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको टाइम से पहले निकलना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स धूप में खड़े हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको बच्चे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। अभी देखिए ये इसको एंट्री दे या ना दे, कुछ रूल्स होते हैं जिनको इन्हें भी फॉलो करना होता है। एंट्री मिलती है तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा अपना टाइम्स का मार्जिन लेके चलना चाहिए। आपको सेंटर में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हेलो, आप हमारे गेट पर में कुछ बात कर रहे हैं? अरे एंट्री की देर है, बाहर निकल इसमें यहां ये देखो एंट्री मिल चुकी है। फाइनल लेट हो चुके हैं सीयूटी के एग्जाम पे, तो ये बात कर रहे हैं कैसे? देखिए लेट में अब भगा रहे फटाफट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स वैसे एज यूजुअल वेट कर रहे हैं। जैसा कि देखो इधर भी पेरेंट्स काफ़ी खड़े हैं, यहाँ पे भी, जहाँ भी उनको मतलब कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे उनको थोड़ी सी छाया मिले, गर्मी से रिलैक्स मिले, तो पेरेंट्स खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं। 6:30 बच्चों की शिफ्ट खत्म होने वाली है। हेलो, हाय, आप क्या है, कैसे एग्ज़ाम देने हैं आपका? क्या ब्रदर का एग्ज़ाम है तो? ओह, ब्रदर को सपोर्ट कर रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? कनिष्का। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली से। यहाँ सेंटर पड़ा है। क्या क्या स्ट्रीम है ब्रदर की? कॉमर्स। आज उसके 3 एग्जाम्स हैं तो उसको ड्रॉप करने आए हैं। ओके, तो ये फर्स्ट स्लॉट है जिसमें एग्जाम चल रहा है? सेकंड स्लॉट। ऑल द गर्मी बहुत है ना? बहुत गर्मी है। और आप लोग कब से आए हैं यहाँ पे? जैसे हाफ एन आवर होने वाला है ऑलमोस्ट। ओके, फिर भी आप दिल्ली से पास ही हैं इतना ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी दूर दूर से पेरेंट्स आए हैं जैसे मैंने देखा ना यहाँ पे। आपका बेटा बेटी है जिसके साथ आप एग्जाम? बेटा। ओके, क्या स्ट्रीम क्या है उसकी? कॉमर्स। तो ये फर्स्ट स्लॉट है इसका? सेकंड। और आपका मैम? बेटी है। फर्स्ट स्लॉट। तो कैसा लग रहा है कि आप गया बोर्ड के बाद सीयूटी भी दे रहे हैं? बस यही टेंशन है ना, अभी बोर्ड से निकले नहीं है कि? गीता। आप कहाँ से आए? सेक्टर 45। फिर भी आप नियर बाई 45 से आए? मैंने पिछली हरियाणा से, रोहतक से, है ना, काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे बच्चे। तो आपकी बेटी बेटा है? बेटा है। कौन सा एग्जाम है उसका? सेकंड स्लॉट है। एग्जाम कौन सा वाला? कॉमर्स है उसका? कॉमर्स है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप भी देखो गर्मी में इतना वेट कर रहे हैं ना, सारे पेरेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हेलो मैम, आपका नाम? शिखा। शिखा, ओके, आपका डॉटर तो कौन सा? अपीयरिंग इन सीयूईटी फ्रॉम कॉमर्स। कॉमर्स, थर्ड स्लॉट। थ्री पेपर्स है, उसके आज थ्री मेन, इको, अकाउंट्स, बीएसटी। तो 3 घंटे लगने वाले हैं आराम से। तो 6:30 अराउंड खत्म होगा, 3:30 स्टार्ट है ना। तो कैसा लग रहा है आपको वेट करना? अच्छा लग रहा है। और अभी बोर्ड के बाद जैसे सीयूटी का प्रेशर है बच्चों के ऊपर, तो कैसा लग रहा है बच्चों को? बच्चे तो बिल्कुल फ्री माइंडेड है, पेपर है अब, और ऑलरेडी वो बोर्ड में ही पढ़ा हुआ है, वही है ना, सेम वही है। ऑल द बेस्ट मैम, अभी वेट कर रहे हैं इतनी गर्मी में। सेक्टर 45। आपके बेटे का एग्जाम है या आपकी बेटी का? बेटे का एग्जाम है। तो आपको टेंशन है? टेंशन लेके होगा क्या? हेलो।
हेलो बच्चे, क्या वो एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? आपका नाम क्या है? सर एग्जाम इट वाज फाइन. क्या था आपका सब्जेक्ट? अकाउंट्स बीएसटी और इको. कहाँ पे डिफिकल्टी आई थी? अकाउंट्स में थोड़ा मॉडरेट था बाकी. ओके ऑल द बेस्ट बच्चे. हेलो बच्चे, आपका नाम? शनै. थोड़ा तेज से बोलना बेटा. शनै. स्वीट नेम कौन सा? आपका स्ट्रीम क्या है बच्चे? ओके, हाउ वाज योर एग्जाम? ग्रेट एक्चुअली. इकोनॉमिक्स वाज अ लिटिल टफ फॉर मी बिकॉज़ आई एम नॉट स्टडीड इट पास, बट अदरवाइज इट वाज गुड. ओके ऑल द बेस्ट बच्चे. थैंक यू. बाय बाय. हेलो बच्चे. हेलो आंटी. हेलो. हेलो बच्चे, क्या बात है? मुस्कुरा के नहीं आ रहे? एग्जाम अच्छा नहीं गया? नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा गया. अच्छा गया? तो आपका क्या स्ट्रीम था? कॉमर्स. कॉमर्स. तो आपको कौन कौन से एग्जाम थे आज आपके? अकाउंट्स इको भी है. डिफिकल्टी कहाँ पे आई? डिफिकल्टी अकाउंट्स में, थोड़ी न्यूमेरिकल बेस ज्यादा कुछ. ओके ऑल द बेस्ट. बच्चे लोग आ चुके हैं, सबके एग्जाम खत्म हो गए. हेलो बच्चे, कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया बढ़िया. और नाम क्या आपका? अभिषेक. क्या थे आपके सब्जेक्ट्स? अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इको. ओके अकाउंट्स में कहाँ डिफिकल्टी आई आपको? कौन से क्वेश्चन? ठीक था, मतलब अच्छा लगा सारे. ऑल द बेस्ट. कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा रहा. सारे बच्चे आ चुके हैं, एग्जाम हो गए. हेलो बच्चे, कैसा रहा? पेपर अच्छा गया. अच्छा गया? अकाउंट्स में थोड़ा टफ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था. क्या सब्जेक्ट था आपको? सब्जेक्ट क्या था? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज. ओके बात बेटे, कहाँ पे डिफिकल्टी आई आपको? कहाँ लगा? ओके और आपका ये फर्स्ट स्लॉट था? फर्स्ट स्लॉट. ऑल द बेस्ट. एग्जाम अच्छा गया. आपका नाम बताना पहले. निशु कश्यप. ओके निशु, आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे बच्चे? इको, बीएससी और अकाउंट्स. ओके तो अकाउंट्स में कोई डिफिकल्टी है क्या रहा? नहीं, अकाउंट्स का तो इजी था, इको थोड़ा सा हार्ड चला. इको हार्ड है. ऑल द बेस्ट बच्चे. सारे बच्चे आ चुके हैं. हेलो बच्चे, कैसा रहा एग्जाम? गुड. अच्छा रहा? तीन सब्जेक्ट थे, बिजनेस, इकोनॉमिक्स. किसमें? इकोनॉमिक्स का कैसा रहा? कौन सही था? अरे बच्चे, हेलो बच्चे, एग्जाम अच्छा रहा? अकाउंट्स का इतना खास नहीं था, पर बीएसटी और इको अच्छा गया. कौन से कॉलेज में? आगे अभी तो देखते हैं, अभी ड्यू का फिलहाल नहीं है, बाकी आगे देखते हैं जैसा रहे. ऑल द बेस्ट बच्चे. नीट सारे आ चुके. आपका नाम? कैसा रहा? क्या स्ट्रीम थी आपकी? कॉमर्स. मुश्किल था अकाउंट्स का? अकाउंट्स थोड़ा सा था. ऑल द बेस्ट बच्चे. आपका नाम बच्चे? रिशिता. रिशिता कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया, खत्म पेपर सारे. अच्छा आपकी भी सेम स्ट्रीम थी कॉमर्स? हाँ. ऑल द बेस्ट बच्चे. आपका नाम क्या है? कुमार. आदित्य. आदित्य. आदित्य आपका क्या सब्जेक्ट थे आपके? कॉमर्स. डिफिकल्टी कहाँ आई आज? थोड़ा बहुत अकाउंट्स में, हम बाकी तो मतलब आसान ही था. आसान. बच्चे आपका नाम क्या है? अजय. अच्छा था, नॉर्मल था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, तो पैटर्न भी ठीक था, मतलब जो हमने पढ़ा था वही कुछ आया. स्ट्रीम कौन सा था आपका? कॉमर्स. कॉमर्स. तो अकाउंट का पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, नॉर्मल. अरे वाह, वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. मेन रोड पे सेंटर है तो यहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा जाम हो जाता है. ट्रैफिक जाम कोई रीजन नहीं है ना, आवाज नहीं आ पा रही है बच्चों की. आपका नाम क्या है? दीक्षा. दीक्षा आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या? अकाउंट्स, बीएससी और इको का था. तो पेपर कैसा रहा आपका? इजी पेपर था, इतना कुछ वो नहीं था. इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ट्रिकी था. वैसे आज करियर में क्या करना चाहोगे बच्चे आगे? बीकॉम ऑनर्स. ऑल द बेस्ट बच्चे. हेलो बच्चे. हेलो. एग्जाम कैसा रहा? अच्छा. आपका नाम क्या पहले नाम बताओ? वानिया. वानिया क्या स्ट्रीम था आपका? कॉमर्स. अच्छा रहा है पेपर? ऑल द बेस्ट. बच्ची आपका एग्जाम था कैसा रहा आपका एग्जाम? थोड़ा तेज बोला. एग्जाम सही था, मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, मतलब इजी भी नहीं था. क्या सब्जेक्ट था आपका? अकाउंट, बीएससी, इकोनॉमिक्स. हेलो बच्चे. हेलो. अच्छा आपका तो हो गया. आपका एग्जाम हो गया? हो गया. सब्जेक्ट क्या थे आपके? बीएससी अकाउंट्स. तो कहाँ पे डिफिकल्टी आई आपको, क्या लगा? आसान था. ऑल द बेस्ट.
बच्चे, आपका एग्जाम हो गया, कैसा रहा? आपका नाम क्या है? समय। आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? अकाउंटिंग। तो कहाँ पे आपका डिफिकल्ट? अच्छा रहा। ओके, आप आगे क्या करियर में क्या करना चाहोगे? ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे, बाय। हेलो बच्चे, हेलो, कैसा आपका एग्जाम? बस हो गया। क्या सब्जेक्ट थे आपके? इको अकाउंट्स एंड बीएससी। हां इजी था, वो बोर्ड लेवल ही है। बोर्ड लेवल ही है, इजी मुश्किल मेड है। ऑल द बेस्ट बच्चे। आप क्या पेपर है, किसी को लेने आए हो? लेने आए। अच्छा, किसको? अपनी बहन को। क्या स्ट्रीम था आपकी सिस्टर का? क्या एग्जाम था? सो कॉमर्स का था। कॉमर्स का ना। और आपका नाम क्या है? नाजिया। कहाँ रहते हैं नाजिया आप? मैं भी रहती नोएडा में। ऑल द बेस्ट बच्चे, जोर से बोला। पायल पायल पायल, आपके सब्जेक्ट क्या थे आज के? मेरे अकाउंट्स बिजनेस। और कैसे रहा पेपर? मैम मेरी फ्रेंड को। ओके, विदेश अग्रवाल। थोड़ा तेज बोलना, ट्रैफिक है। विदेश अग्रवाल। और आपका? राघव गर्ग। जयंत उमर। जयंत उमर। तो आपका एग्जाम कैसे रहा? बढ़िया था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे आसान ही आया। आपके क्या सब्जेक्ट्स है? इको बीएसटी अकाउंट्स। तो कहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा? अकाउंट्स थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो सब सही था। अच्छा, और आपको? सेम विद हिम, सेम सेम सेम, बहुत इजी था, टेंशन मत लो, इजीली हो जाएगा सब। आप अगल बगल में बैठे थे क्या? नहीं, हम सारे 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 साथ थे। ओके, और आगे आप करियर में क्या करना चाहोगे? प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्या करना चाहोगे करियर में? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट बच्ची। और आपका? मैं कुछ भी देख लूंगा जो हो जाए। आप लोग फ्रेंड्स हो? ऑल द बेस्ट बच्चे। एक बार सारे बच्चे आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? आयुष। थोड़ा तेज बोला। आयुष। आयुष आयुष आयुष, आपके एग्जाम कैसे रहा? अच्छा। क्या था आपका स्ट्रीम? कॉमर्स साइंस। क्या है? कॉमर्स। तो कहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल लगा कॉमर्स में? आज इजी था। ऑल द बेस्ट बच्चे। हेलो बच्चे, कैसा रहा एग्जाम? इसका था एग्जाम, मैं लेके आया था। अच्छा, आपका? हेलो बच्चे, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। क्या सब्जेक्ट थे आपके? अकाउंट डिफिकल्ट था, इकोनॉमिक्स और बीएससी का। ऑल द बेस्ट बच्चे। हेलो बच्चे, कैसा रहा एग्जाम? मेरा एग्जाम नहीं था। अच्छा, हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोला। तैयबा शेख। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा। क्या था स्ट्रीम आपका? कॉमर्स। ऑल द बेस्ट बच्चे। आपका नाम क्या बच्चे? थोड़ा तेज से बोला। प्रियांशी। सब्जेक्ट क्या थे आपके? इकोनॉमिक्स और बिजनेस। आप बहुत स्वीट हो और आपकी आवाज़ भी बहुत स्वीट है, थोड़ा तेज बोला। क्या सब्जेक्ट है? बी एस टी एंड इकोनॉमिक्स। तो कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आई जैसे आज? थोड़ा सा इको के क्वेश्चन थे लेवल, बाकी सब बहुत इजी था। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे। आपका नाम क्या बच्चे? भाव्या। थोड़ा तेज बोलना बच्चे। भाव्या। भाव्या, आपका एग्जाम कैसा रहा आज का? ठीक ठीक गया। क्या सब्जेक्ट आपके? इकोनॉमिक्स, बीएससी एंड अकाउंट्स। ओके, तो कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आई आज, कौन से एग्जाम पे? अकाउंट्स। ऑल द बेस्ट बच्चे। हेलो बच्चे, हेलो, आपका आज एग्जाम था? नहीं। आपका नाम क्या है? वैभव। वैभव, तो वैभव कहाँ रहते हो आप? हम जहांगीराबाद रहता हूँ। कौन से पेपर थे आज आपके? आज अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। कहाँ डिफिकल्टी आई है थोड़ा सा? अकाउंट्स में थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा लास्ट में, बाकी सारा इजी था। तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि चेक वाइज कितना टाइम देते हैं के लिए? अकाउंट्स में 60 मिनट दिए थे और बिजनेस स्टडीज में 45 मिनट दिए थे, इकोनॉमिक्स में भी 60 मिनट दिए थे। तो क्या पैटर्न है इनका, सबके लिए एक है या अलग अलग है? सेम पैटर्न है। किसी का एक सब्जेक्ट का पेपर था, ऐसा भी था? नहीं, आज तीन सब्जेक्ट थे। आज सबके तीन थे फर्स्ट लॉट में। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे। वंदना प्रजापति मेरा नाम है। ओके बेटे, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स था, अकाउंटेंसी था और बीएसटी था। तो आज आपका पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम। अच्छा, सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, मैंने कर लिया। अच्छा, कहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा कुछ थोड़ा सा? नो मैम। काफी लोगों का मेरे पास कमेंट है, टाइम दिया हुआ था। तो कितना कितना टाइम देते हैं हर सब्जेक्ट को? 59 मिनट्स। ऑल द बेस्ट बच्चे। आपका नाम क्या है? अर्चना। के कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सब्जेक्ट क्या क्या थे? मेरा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट। तो आज आपका ये कौन सा स्लॉट था आज आपका? मेरा फर्स्ट स्लॉट था। इससे पहले आपके कोई एग्जाम नहीं हुए? नहीं। ओके, तो बच्चे ये बताना, काफी बच्चों का ये कमेंट है कि कितना टाइम देते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज? मतलब शुरू
उसके दो में तो 45 मिनट देते हैं, जो लास्ट में उसमें पूरा 1 आवर दिया। तो पहले आपका कौन से दो हुए थे जिन पे आपको 45 बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, उसमें आपको 45 मिनट दिए गए, और दूसरा और इकोनॉमिक्स में दिए थे 1 आवर। ऑल द बेस्ट बच्चे, बाय।